यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ये बड़ा सा एक इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। वही हमें हेल्प करके देता है कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो रूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रूल है लेबनीज रूल। वो रूल है लेबनीज रूल। ये वो रूल है जो इसकी मदद से आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को इसकी मदद से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेबनिज रूल क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बढ़ते आज की वीडियो की तरफ, जहाँ हम देखेंगे कि लेबनिज रूल क्या होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो लेबनिज रूल यही कहता है आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एक इंटीग्रेशन का। तो आप कैसे सॉल्व आउट करोगे? तो लेबनिज रूल ने क्या किया था, इस इंटीग्रेशन का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो उसने एक फॉर्मूला बना के दिया था। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसा है कि आपको अगर डेरिवेटिव लेना है कोई भी इंटीग्रेशन का, बट वो इस पैटर्न का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो वही डेरिवेटिव का पैटर्न है। तो ऐसे में क्या करना है, आपके पास जो भी फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो जी इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड टी, और इसी जी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वो कौन सा वेरिएबल है? टी के रिस्पेक्ट में हम इस जी ऑफ एक्स टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। लोअर लिमिट है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और जो अपर लिमिट है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अल्फा से डिनोट किया गया और उसको बीटा से डिनोट किया है। और दोनों फंक्शन कैसे है, फंक्शन ऑफ एक्स है, कॉन्स्टेंट भी रहते कोई गम नहीं, बट एक्स के फंक्शन रहे तो चलेगा। ठीक है, और ऐसे में हमें इस टाइप के इंटीग्रेशन का लेना है डेरिवेटिव। तो ये हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है जी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड टी, बट हमें सबसे पहले क्या करना है, जो अपर लिमिट है जो कि बीटा ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टी है इस फंक्शन के अंदर, जो भी टी है उस टी को रिप्लेस कर देंगे, बीटा ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो पहला ये क्या करना है, आपको जी फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स कॉमा बीटा ऑफ एक्स, मतलब सेम फंक्शन में एक्स को चेंज नहीं करना है, सिंपल जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे बीटा ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जो भी बीटा ऑफ एक्स आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा वो यहाँ पे लिख देना है, इन टू ये जो बीटा लिया है इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ बीटा ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेना है। माइनस, जैसे अपर लिमिट क्या माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस सेम करेंगे जी ऑफ एक्स कॉमा, इस टाइम पे अल्फा ऑफ एक्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दो, इन टू डेरिवेटिव ऑफ अल्फा ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। ठीक है, ये आपको सिंपल कर देना है। एंड प्लस इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स से रेंज, उसकी इंटीग्रेशन की रेंज रहेगी, बट हमें जो भी इंटीग्रेशन है इस टाइम पे हमें क्या करना है, इस जी जो कि वेरिएबल है, दो फंक्शन का वेरिएबल है, उसको सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डेबा जी बाय डेबा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज डेबा जी बाय डेबा एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी के इसमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, और उसकी इंटीग्रेट का जो रेंज रहेगा अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स से रेंज करेगा। तो ये है सिंपल लेबनिज रूल हमें कहता है। इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि लेबनिज रूल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ये बड़ा सा एक इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है आपके पास जहाँ पे इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड टी इन टू यू ऑफ टी डी टी, मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए एक फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो ऐसे में आप फाइंड कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव। तो ये हमें देगा लेबनिज रूल। तो इसको सॉल्व आउट कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो अगर आपसे ऑब्जर्व करो तो अल्फा ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जनरल पैटर्न हमारे पास ये है, अल्फा ऑफ एक्स मतलब लोअर इंटीग्रल जो लोअर लिमिट है जो कि है जीरो। अगर कोई पूछे बीटा ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जो कि है अपर लिमिट जो कि है एक्स। अब ऐसे में हम इनका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, दैट इज डी अल्फा बाय डी एक्स, बट सिंपली एफ डैश अल्फा डैश से भी इसको डिनोट करते हैं, जो कि आ जाएगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा। और बीटा ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज डी बीटा ऑफ डी एक्स, या फिर इसे हम कहते हैं डायरेक्ट हम बोल देंगे इसको बीटा डैश ऑफ एक्स, बीटा डैश ऑफ एक्स दैट इज हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, ये हमें मिल गया। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जी ऑफ एक्स टी है, क्या है जी ऑफ एक्स टी? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, जो भी इस इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है वही हमारा जी ऑफ एक्स टी होता है, दैट इज एक्स माइनस टी का स्क्वायर इन टू यू ऑफ टी। ये हमारा बन गया जी ऑफ एक्स टी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस इस पर पुट कर देना है, सब कुछ है हमारे पास तो पुट कर देना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमा बीटा, मतलब जी ऑफ एक्स कॉमा बीटा की पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे बीटा से रिप्लेस कर देना है, बट बीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे बीटा, बट बीटा इज एक्स, दैट इज एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू यू ऑफ एक्स, बट एक्स माइनस एक्स हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जी ऑफ बीटा एक्स कितना आ गया, जीरो आ गया, दिस इज जीरो। अब नेक्स्ट फाइंड करना है हमें जी ऑफ एक्स अल्फा, जहाँ जहाँ एक्स है टी है वहाँ पे अब अल्फा पुट कर देना है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये है हमारा, इसमें जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे, दैट इज एक्स माइनस टी, बट टी इज अल्फा, बट अल्फा कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा इन टू यू ऑफ टी, दैट इज यू ऑफ जीरो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स इंटू यू ऑफ जीरो, यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इंटू यू ऑफ जीरो बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देख लिया, इसकी वैल्यू एलिमिनेट कर ली, ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, बचा क्या, जी को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये है जी, तो डेबा जी बाय डेबा एक्स फाइंड करना है, जिसको जी ऑफ एक्स से भी, ऐसे जी एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जो भी टी है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यू ऑफ टी कॉन्स्टेंट बन गया, इसलिए यू ऑफ टी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको पता है इसका कैसे लगेगा, बाय चेन रूल हम लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स माइनस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी अंदर फंक्शन है दैट इज एक्स, उसका आ जाएगा वन, तो हमें यहाँ मिल जाएगा टू इंटू एक्स माइनस टी यू ऑफ टी मिल जाएगा। अब सब कुछ पता है, आप किसका वेट कर रहे हो, पुट कर दो उस जनरल इक्वेशन में, तो जो कि हमारा इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी का स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी, हम कैसे लिख सकते हैं, बाय लेबनिज रूल, तो यहाँ पे ऊपर मेंशन करना पड़ेगा, बाय लेबनिज रूल हम लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को, दैट इज जी ऑफ एक्स कॉमा बीटा इंटू बीटा डैश माइनस जी ऑफ एक्स कॉमा अल्फा इंटू अल्फा डैश प्लस इंटीग्रेशन ए अल्फा टू बीटा डेबा जी बाय डेबा एक्स इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब सब कुछ पड़ा है, अब देखो जी ऑफ एक्स और कॉमा बीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली जो कि है जीरो, इंटू बीटा डैश ऑफ एक्स, बीटा डैश ऑफ एक्स इज वन, माइनस जी ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, जी ऑफ एक्स कॉमा अल्फा की वैल्यू निकाल रही है जो कि है एक्स स्क्वायर इंटू यू ऑफ जीरो, इस होल टर्म मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डैश ऑफ एक्स, बट अल्फा डैश ऑफ एक्स तो जीरो है तो यह भी जीरो आ गया, प्लस इंटीग्रेशन डेबा जी बाय डेबा एक्स, डेबा जी बाय डेबा एक्स कितनी वैल्यू है, टू इंटू एक्स माइनस टी यू ऑफ टी हम लिख सकते हैं डी टी। अब ये देखो, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, पूरा टर्म वैनिश हो गया, प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा, बट अल्फा ऑफ एक्स इज जीरो टू बीटा दैट इज एक्स, टू इंटू एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। तो ऐसे में हमें इंटीग्रेशन का जो डेरिवेटिव मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी, थोड़ा सा एक चीज़ बच गया वो लिख लेते पहले, एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा बन गया फाइनल आंसर, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो लेबनिज रूल यही कहना चाहता है, अगर आपको इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेना है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो भी इस इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड टी, तो ही हम इस टाइप के इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जो कि निकालने पे हमें मिला टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।